भारत का राष्ट्रीय जानवर बाघ। भारत का राष्ट्रीय जानवर बाघ है। इस नू अंग्रेजी विच टाइगर कहते हैं। बाघ बिल्ली परिवार का बहुत वड्डा जीव अते तेज शिकारी है। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो लैके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल दौड़ सकता है। इसका भार 300 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका रंग पीला भूरा होता है। इसकी छाती का रंग चिट्टा होता है। इसके शरीर उपर कालियां धारियां होंदिया हन। बाघ की सुंघन शक्ति बहुत तेज होंदी है। बाघ का अपना एक खेतर होंदा है। यह 10 से 20 किलोमीटर हो सकता है। यह खेतर शिकार की प्राप्ति उत्ते निर्भर करता है। बाघ अपने इलाके विच अपने मूत्र की गंध छड़दा जाता है। इस तरह बाघ इस गंध नू सुंघ के पहचान जाते हैं कि यह खेतर किसी दूसरे बाघ का है। बाघ की सुन शक्ति कमाल की होंदी है। यह हवा द्वारा पत्तियां दे हिलन की आवाज अते झाड़ियां विच लुके हुए शिकार की आवाज का अंतर जान जाता है। यह दूर नेड़े दियां आवाजां नू सुनन लई अपने दोहां कन्नां नू वख-वख दिशा विच घुमा सकता है। बाघ अपनी आवाज नू मौके अनुसार बदल लैंदा है। इसकी आवाज नू बहुत दूर तक सुनिया जा सकता है, लगभग 3 किलोमीटर तक। इस दियां अखां दी बनतर इस प्रकार दी हुंदी है कि रात नू भी बहुत आसानी नाल देख सकता है। यह अनेरे विच साडे नालों 6 गुना ज्यादा देख सकता है। अनेरे विच शिकार करन अते रस्ता लभन विच इस दियां मुछां भी इस दी मदद कर दिया हन। बाघ दिया मुछा हवा दिया तरंगा द्वारा पैदा हुई कंपन तो शिकार दी स्थिति का अंदाजा लगा लेंदिया हन। इस दी धारीदार खल देखन विच बहुत सुंदर लगती है। इस तो कोट बैग अते होर पहनन दिया वस्तां बनाईया जांदिया हन, जो कि बहुत महंगिया ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਖਲ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਘ ਕੁਛ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨ 1900 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਬਾਘ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 3,890 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਨ 2008 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,411 ਬਾਘ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਨੂੰ ਬਾਘ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਘਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 9 ਖੇਤਰ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਸਨ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਣਥਮਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪਲਾਮੂ ਬਿਹਾਰ, ਕਾਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੁੰਦਰਵਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੈਲਾਕਾਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਿਮਲੀਪਾਲ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਆਸਾਮ, ਬਾਂਦੀਪੁਰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਖੇਤਰ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਹੋ ਗਏ ਸਨ।